देखें 14.7% 11.9% तथा 12.5% की तीन सक्सेसिव डिस्काउंट क्रमागत छूट दी गई हैं। ये तीनों छूटें ना देकर एक सिंगल डिस्काउंट दे दिया जाए तो सिंगल डिस्काउंट के बारे में पूछा गया, वो नेट डिस्काउंट सिंगल डिस्काउंट क्या रहना चाहिए था। तो देखिए इस केस में सबसे पहले क्या कह रहा है, 14.27% 11.9% ठीक है, और एक है 12.5%, ठीक है, एक है 12.5। अब आप देखिए सबसे पहले ये कितना होता है मेरे भाई 1/7, ये कितना होता है 1/9, और यह कितना होता है 1/8। मेरा पैसा किस रफ्तार से घटेगा, अगर कोई आर्टिकल या कोई वस्तु 7 की होती तो उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट मिलता, उसके बाद वह रह जाती 6 की। सेकंड टाइम जितना भी प्राइस घटा है अगर घटने के बाद वो 9 होता और उस पर 1 रुपए डिस्काउंट और मिलता तो 8 का, फिर तीसरी बार किस रफ्तार से 8 से 7 रह जाता, जो घटता है काट दीजिए 3 से 3 पर 3 से 2 पर, तो यह रेशो कितना आ जाए मेरे भाई 3:2, यह रेशो कितना आ जाए मेरे भाई 3:2, ठीक है। अब आप एक चीज अगर ध्यान से देखोगे तो ओवरऑल तीन की चीज सामने वालों को 2 मिल रही है, और तीन की चीज 2 मिलने का मतलब 3 पर 1 का डिस्काउंट, और 3 पर 1 का डिस्काउंट मतलब 1/3 यानी 33 सही 33 1/3%, और यह